प्रदेश अध्यक्ष रसोईया कार्यकर्त्री कल्याण समिति राम ललित वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद वेतन वृद्धि के संबंध में रसोइयों ने प्रदर्शन किया। रसोइयों का कहना है कि हमारे मानदेय रुपया 1000 प्रति माह का है, जो आज के इस महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। इसे बढ़ाया जाए जिससे हमारा गुजर बसर हो सके। जब तक हमारा मानदेय बढ़ाया नहीं जाता, तब तक हम सभी रसोइया विद्यालय में भोजन बनाने का कार्य नहीं करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव रामपाल पांडे, रंजीता, सिद्धांती, सरिता, कमलावती, वृंदावती, कृष्णा देवी, रामनाथ सहित विभिन्न ब्लॉकों से भारी संख्या में रसोइया मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राम ललित वर्मा और रसोइयों ने कहा, राम ललित वर्मा प्रदेश अध्यक्ष रसोईया कार्यकर्ती कल्याण समिति उत्तर प्रदेश। मात्र 1000 रुपया मानदेय पर हम लोग काम कराया जा रहा है। सरकार हम लोगों की, उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हम लोगों की गरीबों की सुध सरकार ने नहीं लिया, इसलिए हम लोग दुखित और पीड़ित हैं। और आज से हम लोगों ने ऐलान कर दिया है कि कल से रसोईया भोजन नहीं बनाएंगी और सामूहिक रूप से इस्तीफा प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को संबोधित जिलाधिकारी महोदय को देंगी। रंजीता, हम रसोईया खाना बनाते हैं स्कूल पे। सर, हम लोगों का मांग है 5000 रुपया महीना हो जाए। हम लोग सुबह 9 बजे जाते हैं, 3 बजे आते हैं। बताइए सर, हम लोग 50-60 बच्चों को खाना बनाते हैं, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, और 50-60 बच्चों का इतना आसान है खाना। 1000 रुपया महीना में कैसे रसोईया काम कर लेगी, आप बताइए ना। हाँ, वो भी टाइम से नहीं मिलने वाला है। ऑफिसर का चार बार सुनिए और जो प्रेस पर उनका चार बार सुनिए। टाइम से आना है, टाइम से जाना है, टाइम से पैसा भी नहीं मिलता है। बताइए सर, हम लोग क्या करें। हमारी मांग कोई नहीं पूर्ण कर सकता है ना। हमारी दुख और तकलीफ को कोई सुनने समझने वाला नहीं है। हम लोग खाना नहीं बनाएंगे, हम लोग कल से स्कूल ही नहीं जाएंगे, खाना बंद कर देंगे सर। बस सर, हम लोग यही मांगे हैं। हम लोग को 5000 रुपया मानदेय हो जाए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। 3 साल से कितना मिलता है? 1000 रुपये मिलता है सर, बढ़ता ही नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोग के काम ज़्यादा ही पड़ता है, सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम लोग 5000 तक मांग रहे हैं, लेकिन दे ही नहीं रहे हैं लोग। अभी तक नहीं दिया, अभी 4 महीना हो गया, वो भी नहीं मिला। तो बताइए हम लोग कैसे करेंगे, खाना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। बस आज का मजदूर भी हम लोग। सिद्धांती देवी।